लोकसभा चुनाव आ चुके हैं और इस बीच काशीपुर क्षेत्र की प्रबुद्ध महिलाओं ने साझा किए अपने विचार कि आखिर कैसा होना चाहिए क्षेत्रीय सांसद। आइए देखते हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल की खास रिपोर्ट। जो संसद है वो हमारे देश का सबसे पवित्र स्थान है, वो एक मंदिर के समान है और इस टाइम लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, ये समय है कि जब हम अपने प्रतिनिधि को चुनकर उस संसद में भेजते हैं ताकि वो हमारी समस्याओं को, हमारी जरूरतों को मजबूती के साथ संसद में पेश कर सके। तो हमें इस टाइम एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनने की आवश्यकता है जो हमारी भावनाओं को अच्छे से समझ सके, हमारी सभी समस्याओं को वहां पर प्रस्तुत कर सके और उसके साथ ही साथ जो योजनाएं हैं या जो समाधान है उसको भी निकालने की कोशिश करें। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि समय समय पर आकर वो उन सभी योजनाओं को कि वो ठीक प्रकार से क्रियान्वित हो रही है या नहीं हो रही है उनका जरूर निरीक्षण करें, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये ना हो कि काफी समय तक उनके मतलब वहां पर उनकी उपस्थिति ना हम महसूस कर पाए। तो मैं यही कहूंगी कि हमें ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहिए जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगी जो आपने ये प्रश्न पूछा। और हमारा सांसद जी ऐसे होने चाहिए कि जो जनता के बीच के होने चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने वाले होना चाहिए और हर वर्ग को साथ लेके चलने वाले होने चाहिए और क्राइम को कम करने वाले होने चाहिए। सबसे बड़े सांसद जी तो हमारे ऐसे होने चाहिए, ठीक। और जैसे एक होते हैं कि सांसद जनता के बीच के ही जनता की समस्याओं को जानते हों, वैसा सांसद मेरी नजरों में होना चाहिए। सुख दुख में साथ देने वाला होना चाहिए और जिसकी छवि और व्यवहार बहुत सौम्य होना चाहिए। मैं जनता से बस एक ही अपील करना चाहूंगी, आराम नहीं मतदान करें, नए भारत का निर्माण करें, लोकतंत्र मजबूत बनाकर भारत का उत्थान करें, जो है सच्चा और ईमानदार वही है आपके वोट का हकदार। मुझे लगता है हमारे सांसद ऐसे हों जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके और जो आम जनता होती है उसका फोन उठा सके, चाहे वो किसी भी पर्पज से हो फोन वो उठाए और उसका उद्देश्य सॉल्व करे उस चीज को। सरल स्वभाव के होने चाहिए और संसद में आवाज उठा सके, चाहे वो अपनी सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो, उसका मुद्दा अपनी सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो वो आवाज उठा सके, जनता की आम समस्या को सुने, सभी को रोटी कपड़ा और मकान मिल सके इस पर काम करें। मेरा विचार है कि हमारे सांसद ऐसे ही होने चाहिए।